नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुमित और मेरे चैनल काव्या एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के दिन बेसिकली मैं आपसे वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स लेकर आया हूं जिन्होंने कि पिछले एक साल में सबसे अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं इन्वेस्टर्स के लिए। बेसिकली हर एक कैटेगरी से, लार्ज कैप कैटेगरी, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, स्मॉल कैप कैटेगरी, मिड कैप कैटेगरी, मल्टी कैप कैटेगरी, ईएलएसएस कैटेगरी, इन सभी कैटेगरी से मैंने आपके लिए एक म्यूचुअल फंड स्कीम चुनी है जिसने कि पिछले एक साल में सबसे अच्छे रिटर्न जनरेट करे हैं इन्वेस्टर्स के लिए। दोस्तों, इन स्कीम्स के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पिछले एक साल में मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। दोस्तों, पिछला एक साल गया साल जो है उसमें जो है मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहा है। निफ्टी 50 की बात करी जाए तो पिछले एक साल में इसने 8.3% के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। इसने बेसिकली 10,040 का लो लगाया है, वही इसका जो हाई है वो 12,080 का है। सो दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट पिछले एक साल में कितना वोलेटाइल रहा है। वहीं निफ्टी बैंक की बात करें तो इसने 11.5% के रिटर्न जनरेट करे हैं। निफ्टी बैंक में बेसिकली 13 पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं। वहीं निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्सेस जो हैं, इनकी जो है बेसिकली इन्होंने नेगेटिव रिटर्न जनरेट करे हैं पिछले एक साल में। यानी मिड कैप और जो स्मॉल कैप स्टॉक्स की जो पिटाई 2018 की शुरुआत से शुरू हुई थी वो बदस्तूर अभी तक जारी है। निफ्टी मिड कैप 100 ने जो है पिछले एक साल में नेगेटिव -9% के रिटर्न जनरेट करे हैं। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 100 ने पिछले एक साल में नेगेटिव 12.9% के रिटर्न जनरेट करे हैं। सो दोस्तों, मिड कैप और स्मॉल कैप की पिटाई हुई है। वहीं लार्ज कैप स्टॉक्स जो हैं उन्होंने जो है मार्केट को संभाले रखा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं कि पिछले एक साल में मार्केट इतना वोलेटाइल क्यों रहा है और इसने रिटर्न्स क्यों कम जनरेट किए हैं। सो इसका प्राइमरी कारण जो है, सबसे पहला कारण है, वो है यूएस चाइना ट्रेड वॉर। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका में पॉलिसी लेकर आए हैं कि वहाँ की जो लोकल जनता है, अमेरिकन्स जो हैं, वो बेसिकली जो इम्पोर्ट होने वाले गुड्स हैं उनके ऊपर उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी लगाना शुरू किया। चूँकि चाइना जो है सबसे ज़्यादा गुड्स जो है इम्पोर्ट करता है यूएस को, इसलिए उन्होंने जो है ऑलमोस्ट चाइना से इम्पोर्ट होने वाले 360 बिलियन यूएसडी के गुड्स जो है उनके ऊपर उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई है। वहीं चाइना ने जो है रेटिलिएशन में जो है यूएस से इम्पोर्ट होने वाले 110 बिलियन यूएसडी के गुड्स के ऊपर जो है इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई है। इसके कारण जो है कई सारी विदेशी बाजार जो हैं वो काफ़ी वोलेटाइल रहे हैं, उनमें काफ़ी गिरावट भी आई है। सो भारतीय बाजार जो है वो इससे अछूता नहीं रह पाया है, इसलिए वो पिछले एक साल में इतना वोलेटाइल रहा है। दूसरा, कई सारे हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स भी हैं जिनके कारण मार्केट इतना वोलेटाइल रहा है। सबसे जो है कि हमारे कोर सेक्टर की जो ग्रोथ है वो काफ़ी धीमी पड़ी है। अप्रैल से जुलाई तक जो हमारे 8 कोर सेक्टर्स है उनकी जो ग्रोथ है वो 3% पे रही है। वही पिछले साल के इसी टाइम पीरियड में जो था वो 5.9% थी। हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी ऑलमोस्ट जो है पहले क्वार्टर जो है इस साल के अप्रैल से जून तक उसमें 5% पर आ गई है, जो कि पिछले एक साल पहले तक 6.5% पर हुआ करती थी। साथ ही साथ हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी जो है काफ़ी स्लो डाउन चल रहा है, गाड़ियों की बिक्री जो है कम हो रही है। वो पैसेंजर कार हो, कमर्शियल व्हीकल्स हो या फिर टू व्हीलर्स हो, सभी में जो है अप्रैल से लेकर अभी तक सितंबर तक जो है कंटिन्यूसली जो है सेल्स में गिरावट आ रही है। कई सारी कंपनीज ने जो है कई सारे महीनों में जो है शटडाउन भी लिया है। सो दोस्तों, ये सब कारण है जिसके कारण जो है हमारी डोमेस्टिक मार्केट जो है वो काफ़ी डल रहा है। साथ ही साथ जो है इन्वेस्टर्स भी जो हैं काफ़ी कॉशियस हो गए हैं इस कारण से, वो अभी पैसा खर्च करने में काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि इन टफ मार्केट कंडीशंस में भी ऐसी कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जिन्होंने कि पिछले एक साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करे हैं इन्वेस्टर्स के लिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लार्ज कैप कैटेगरी की। लार्ज कैप कैटेगरी में जिस म्यूचुअल फंड स्कीम ने सबसे अच्छे रिटर्न जनरेट करे हैं पिछले एक साल में वो है एक्सिस ब्लूचिप फंड। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जो SIP का जो पीरियड लिया है वो लिया है 15 अक्टूबर 2018 से 16 अक्टूबर 2019 तक। सो यदि आपने 15 अक्टूबर 2018 को 1,000 रुपये की SIP शुरू की होती, सो 16 अक्टूबर 2019 तक आपकी बेसिकली आपने 13 SIP जो है निवेश कर चुकी है, और जो टोटल अमाउंट जो आपका निवेश वाला होता वो होता 13,000 रुपये। सो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है एज ऑफ 16 अक्टूबर 2019 वो होती 14,476 रुपये। यहाँ पर आपका रिटर्न्स कितने हो रहे हैं 23.47%, यानी ऑलमोस्ट 23.5% के रिटर्न्स इस स्कीम ने जनरेट करे हैं पिछले एक साल में। अब हम लोग बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की ऐसी कौन सी स्कीम है जिसने सबसे अच्छे रिटर्न जनरेट करे हैं, सो वो है टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड। सो टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड की अगर बात करें, सो इसमें यदि आपने 15 अक्टूबर 2018 से
16 अक्टूबर 2019 तक यदि आपने 13 SIP करी है, हजार हजार रुपए की आपने 13,000 रुपए निवेश करे हैं, तो उसकी वैल्यू आज की तारीख में है 13,751 रुपए। यहाँ पर आपके रिटर्न्स कितने हुए, 11.76% यानी 12% के इसने रिटर्न जनरेट करे हैं इन्वेस्टर्स के लिए। अब हम लोग बात करते हैं मल्टी कैप कैटेगरी की, कि मल्टी कैप कैटेगरी में किस स्कीम ने पिछले एक साल में सबसे अच्छे रिटर्न जनरेट करे हैं। सो मल्टी कैप कैटेगरी की बात करी जाए तो एक्सिस, यहाँ पर भी एक्सिस म्यूचुअल फंड बाजी मारता है और वो है एक्सिस मल्टी कैप फंड। सो एक्सिस मल्टी कैप फंड में यदि आपने 13 SIP करी है 15 अक्टूबर 2018 से, सो उसकी वैल्यू होती है आज की तारीख में 14,486 रुपए। यानी यहाँ पर भी जो है ऑलमोस्ट 23.5% के रिटर्न आपकी स्कीम जनरेट करके दी है एक्सिस मल्टी कैप फंड ने। अब हम लोग बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी की। मिड कैप कैटेगरी में सबसे अच्छी ज्यादा रिटर्न जनरेट करने वाली स्कीम अगेन एक्सिस म्यूचुअल फंड से ही है, एक्सिस मिड कैप फंड। एक्सिस मिड कैप फंड में यदि आपने 13 SIP करी है 15 अक्टूबर 2018 से, सो उसकी आज इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती 14,080 रुपए। यानी आपके SIP रिटर्न यहाँ पे कितने हैं, 17.03%। सो दोस्तों यहाँ पर एक्सिस मिड कैप फंड जो है पिछले एक साल में सबसे अच्छा परफॉर्म करा है मिड कैप कैटेगरी में। अब हम लोग बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की। सो स्मॉल कैप कैटेगरी में भी जिस स्कीम ने सबसे अच्छा परफॉर्म करा वो एक्सिस म्यूचुअल फंड से ही आती है, वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। सो इसमें अभी तक यदि आपने 13 SIP करी 15 अक्टूबर 2018 से, सो 13,000 रुपये अभी तक आपने निवेश किए होते, आपकी वैल्यू उसकी रहती 14,430 रुपये। यानी यहाँ पर 22.7% के रिटर्न्स, यानी ऑलमोस्ट 23% के रिटर्न्स जो है इस स्कीम ने भी जनरेट करके दिए हैं पिछले एक साल में। अगर ELSS की बात करी जाए तो यहाँ पर अगेन एक्सिस म्यूचुअल फंड बाजी मारता है। सो उसकी जो फेमस पॉपुलर जो स्कीम है वो है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में भी यदि आपने 1,000 रुपये की SIP 15 अक्टूबर 2018 से शुरू करी होती, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती वो होती 14,232 रुपये। यानी यहाँ पर भी जो है आपको 19.5% के रिटर्न्स जो है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने जनरेट करके दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली क्या है कि मैंने आपको हर एक कैटेगरी से टॉप परफॉर्मिंग स्कीम बताई पिछले एक साल की, और इसमें अगर लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी कैटेगरीज जो है उनमें एक्सिस म्यूचुअल फंड की जो रिस्पेक्टिव स्कीम्स है उन्होंने ही सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दिए हैं इन्वेस्टर्स के लिए। सो दोस्तों ये तो आज के दिन मैंने आपसे शेयर करा कि पिछले एक साल में मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, पर्टिकुलर कैटेगरीज में कौन सी टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स हैं, उन्होंने कितने रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। सो दोस्तों होप ये आपको सारी जानकारी जो अगर अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।